हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप भी ठीक होंगे। आज हम ग्वालियर गांधी प्राणी उद्यान ग्वालियर ग्वालियर के चिड़ियाघर ग्वालियर शहर में स्थित मध्य में फूल बाग के पास स्थित है। ग्वालियर के चिड़ियाघर का निर्माण सन 1922 में ग्वालियर चिड़ियाघर की स्थापना शाही परिवार के माधवराव सिंधिया ने की। बच्चों के साथ में वन्य जीवन देखने और घूमने के लिए अच्छी जगह है। ग्वालियर शहर में सुंदर चिड़ियाघर, जिसे गांधी चिड़ियाघर के नाम से भी जाना जाता है, यह आप देख रहे हैं गांधी प्राणी उद्यान ग्वालियर। ग्वालियर चिड़ियाघर घूमने का समय है। साप्ताहिक अवकाश शुक्रवार को बंद रहता है और साल भर पूर्वाह्न 8 बजे से लेकर अपराह्न 3 बजे तक के अंतिम प्रविष्टि 2:30 बजे के आसपास होती है। प्रवेश शुल्क 50 रुपये और हेलमेट रख रहे हो स्टूडेंट के लिए और 12 और प्राइस में आगे पीछे होते रहते। ये आप देख रहे हो भालू, ग्वालियर चिड़ियाघर में स्थित भालू, आपको भालू दिखाई देगा। संक्षिप्त विवरण ग्वालियर चिड़ियाघर का आपको हम बताते हैं। ग्वालियर शहर में सुंदर चिड़ियाघर, जिसे गांधी चिड़ियाघर के नाम से भी जाना जाता है, 1922 में स्थापित किया गया था, जिसकी स्थापना शाही परिवार के माधवराव सिंधिया ने की थी, जिसे फूलबाग के नाम से भी जाना जाता है। इस चिड़ियाघर में सांभर, चित्तीदार हिरण, काला हिरण, बाइसन, लकड़ी की बग्घी, सफ़ेद बाघ और अन्य प्रकार के जीव जंतु, चिड़ियाघर प्रजाति के वन्य जीवी, ये आप देख रहे हैं सामने। पानी का जंगली भैंसा, यह बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ घूमने के लिए ग्वालियर का खूबसूरत जगह में से एक है। बच्चों को वन्य जीवन से परिचित कराने के लिए ज़रूरी है बच्चों के साथ चिड़ियाघर का दौरा किया जाए।
कक्कड़ बकरा फेलिमोनिया मांसाहारी प्राणियों का एक जीव वैज्ञानिक कुल है। इस कुल का वैज्ञानिक नाम हेनियाडाइस है। इनका प्राकृतिक आवास एशिया और अफ्रीका के महाद्वीपों पर है। शक्तिशाली जानवर है। कद में नर नील गाय घोड़े जितना होता है, पर उसके शरीर की बनावट घोड़े के समान संतुलित नहीं होती। पृष्ठभाग अग्रभाग से कम ऊंचा होने से दौड़ते समय यह अत्यंत अटपटा लगता है। अन्य मृगों की तेज चाल भी उसे प्राप्त नहीं है। स्तनधारी जंतु है। We'll be right back.
ये आप देख रहे हैं सफ़ेद भाग वाइट टाइगर, इसे हल्का रंग प्रदान करता है। इस प्रकार के सफ़ेद भाग को बर्फ सा सफ़ेद या शुद्ध सफ़ेद कहते हैं। गहरे रंग की धारियों वाले सफ़ेद बाघों को बंगाल टाइगर की उपप्रजाति में बखूबी शामिल कर लिया गया है। तो रॉयल बंगाल एक इंडियन टाइगर के नाम से मशहूर है। ये गहरे रंग की धारियाँ कैद साइबेरियन टाइगर में भी देखने को मिल सकते हैं। इनमें से 100 भारत में है।
प्लानिंग ऑफ टाइम की सैर सैर कराई है। ये बच्चे अपने मनोरंजन पानी में नाव चला रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी? यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अन्य लोगों पर अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। यह चिड़ियाघर का कैफे हाउस, जहाँ पे आप थकान हो जाए तो ब्रेकफास्ट कॉफ़ी टी कोल्ड ड्रिंक इत्यादि पी सकते हैं। चिड़ियाघर का कैफे टाउन, यह है अपने इंडिया का शेर लायन पैंथर। चीते के शरीर गोल धब्बे होते हैं, जबकि तेंदुए के शरीर पर रोसेट शैली के निशान होते हैं। तेंदुआ चीते के मुकाबले ज़्यादा बड़ा और अधिक मस्कुलर होता है। यह हिरन जैसे जानवर का शिकार करने के बाद उसे पेड़ पर ऊपर ले जाने की ताकत रखता है। चीते के मुकाबले तेंदुआ का सिर बड़ा और लंबा होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए कि वीडियो कैसे लगा, जिससे हम और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। हमारा तो प्रयास यही रहता है कि धन्यवाद, थैंक यू।